बिलासपुर पुलिस व एसआईयू की टीम ने संयुक्त रूप से नशे की तस्करी में शामिल एक नाइजीरियन व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए डीएसपी बिलासपुर राजकुमार ने बताया कि नशे के गोरख धंधे में संलिप्त तस्करों की धरपकड़ लगातार जारी है और इस साल 4 विदेशी मुख्य नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है जो युवकों को नशा सप्लाई किया करते थे। साथ ही डीएसपी राजकुमार ने बताया कि नशा माफियाओं की संपत्ति को भी जब्त किया जा रहा है और इस साल विभिन्न मामलों में नशा माफियाओं की कुल 96 लाख संपत्ति जब्त की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिलासपुर पुलिस व एसआईयू टीम का नशा माफियाओं के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा और आने वाले समय में भी नशा माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य किया जाएगा ताकि आज की युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके। इन लोगों के कब्जा से पुलिस ने 20.43 ग्राम जो है वो चिट्टा बरामद किया था। उसके बाद इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना सदर में मुकदमा नंबर 175/22 दिनांक 19/7/2022 अंडर सेक्शन 2129 NDPS के तहत जो दर्ज किया गया था। इन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ के बाद जो है इनको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद इनको माननीय अदालत में पेश किया गया था। अदालत में पेश करने के बाद इनका आइंदा 23 तारीख तक 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान ही इन दोनों व्यक्तियों ने ये डिस्क्लोज किया कि इन दोनों ने ये चिट्ठा जो है वो दिनांक 18 तारीख को दिल्ली में एक नाइजीरियन व्यक्ति से जो है वो खरीदा है। तो जिस पर जो है वो हमने दो एक क्लब टीम को जो है वो क्लब किया जिसमें SIU तथा पुलिस थाना सदर की दोनों टीमों को ज्वाइंट करके एक संयुक्त टीम बनाई और उनको जो है वो उन जो मेन जो इस अभियोग में मेन अक्यूज थे उनको साथ लेकर जो है वो इस नाइजीरियन की शिनाख्त के लिए जो है वो आगामी अन्वेषण हेतु दिल्ली भेजा गया था। ये जो संयुक्त टीम थी इसने जब इन दोनों लड़कों ने इसको आइडेंटिफाइड किया उस नाइजीरियन को तो उस नाइजीरियन को जो है वो वहाँ पर हमारी टीम के द्वारा जो है अप्रिहेंड किया गया, डिटेन किया गया और उसकी शिनाख्त जो है इन दोनों लड़कों ने की कि इसी व्यक्ति से जो है इन्होंने ये चिट्ठा जो है वो 18 तारीख के आसपास खरीदा था।